फुटबॉल में जहां संसाधन हो, बड़े बड़े स्टेडियम हो, दर्शक हो, ग्लैमर हो और पैसा हो, तो वजह समझ आती है दीवानगी का। और तब बनते हैं पेले, मेसी और रोनाल्डो जैसे स्टार। मगर जब ये सब ना हो और फिर भी दीवानगी हो, तब क्या कहेंगे? तब दोस्तों, ऐसे इंसान का सजदा करने का दिल करता है। जी हाँ, भारत में जहाँ लोग क्रिकेट को जीते हैं, वहीं एक शख्स ऐसा है जिसने अपने दम पर फुटबॉल गेम के लिए हर संभव प्रयास किया है। उनका नाम है सुनील छेत्री जी। जी हाँ, जिन्हें लोग प्यार से फैंटास्टिक कैप्टन कहते हैं। अगस्त 1984 को सिकंदराबाद तेलंगाना में जन्मे सुनील छेत्री एक बेहतरीन फुटबॉलर हैं। इनके नाम ऐसे ऐसे कीर्तिमान हैं जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। मगर अफसोस कि हम भारतीय व भारतीय मीडिया इन्हें वो सम्मान नहीं दिए जिसके ये हकदार हैं। जानना चाहेंगे? भारतीय फुटबॉल टीम की तरफ से 50 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले सुनील छेत्री पहले भारतीय हैं। इन्होंने लगातार 4 वर्ष ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है। इसके अलावा दुनिया में रोनाल्डो के बाद सबसे अधिक गोल करने वाले सक्रिय फुटबॉलर सुनील छेत्री हैं। जी हाँ, अमूमन लोग रोनाल्डो और मेसी तक ही रह जाते हैं। दोस्तों, सुनील छेत्री पूरी दुनिया में सक्रिय फुटबॉलर के रूप में द्वितीय स्थान पर हैं। भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु इन्हें वर्ष 2011 में अर्जुन अवार्ड व सन 2019 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। मगर अपने ही देश में इनके विजय को मीडिया मात्र खेल समाचार के रूप में दिखाकर अपना कोटा पूरा करती है। वहीं जब बात क्रिकेट की हो तो मीडिया विशेषज्ञ की भूमिका में बन जाती है और कई घंटों का समय दे देती है। इसमें पूरा दोष केवल मीडिया का ही नहीं है, हमारा भी है। हमें इन्हें खेलते हुए मैदान में देखना चाहिए, इनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। हम IPL की टीम के नाम जानते हैं, पर यदि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप भारतीय फुटबॉल क्लब्स के नाम जानते हैं, तो आप सोचने लगेंगे। जी हाँ, चिराग यूनाइटेड, मोहन बगान, बंगलुरु FC, जमशेदपुर FC जैसे फुटबॉल क्लब्स के नाम क्या आप जानते हैं? सवाल आपसे है और हल भी आपके पास ही है। दोस्तों, फिर किसी सुनील छेत्री को हाथ जोड़कर निवेदन न करना पड़े कि आएं और हमारा खेल देखें। आशा है कि हम सभी लोग सभी खेलों को खेल भावना की तरह ही देखेंगे और सभी खिलाड़ियों को सम्मान की नज़र से देखेंगे। जय हिंद।